आपको शर्मानी चाहिए, आप सिखा रहे, आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे आप। जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूद मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमान किस चीज का? मैं आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए। आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दे तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? नहीं है कि राम अयोध्या में, नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए। हम स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान क्या मतलब है आपका? अयोध्या में रामलला विराजमान है, और सदैव रहेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान थे, हैं और सदैव रहेंगे। आप इस देश का इतिहास बदल देंगे? अभी सबको बराबर का दर्जा चाहिए था। राम, भगवान राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका हर कार्य मर्यादा के साथ संपूर्ण होता है। उन भगवान राम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विराजमान करा, और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सबूत लेके आओ कि रामलला वही विराजमान थे। कैसे साबित करूंगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दें तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना, सिर्फ कागज पे तो लिखा है ना। मांग रहे हो, आपका मांग रहे हैं भैया। नहीं नहीं, मैं सबूत। और सुनिए मजेदार बात, सुनिए एक पूरी बात, पूरी बात कर लो। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत कागज 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही सीएनआरसी में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। मैं राशिदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूँ, फिर मुसलमान किस चीज का? मैं आपसे थोड़े कह रहा हूँ आप अल्लाह अल्लाह बोलो। कैसी सवाल करते हैं यार आप लोग। मैं एक चीज बताऊं, ये है वो देश, अब नहीं, अब नहीं, ये है वो देश। देखिए, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। ए भैया, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूद मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ, ये देखिए धर्मगुरु, क्या जरूरत है? ये देखिए धर्मगुरु, इन्हें कहते हैं धर्मगुरु जो नफरत सिखा रहे हैं बच्चों। ये गलत है, ये आप भी कह सकते हैं, आपको भी गलत है। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे कहा नफरत सिखा रहे? हम सिखाएंगे, हमारे बच्चे नफरत सिखा रहे, सिखाएंगे ऐसे धर्मगुरु राम राम सिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, आपको शर्मानी चाहिए। आप सिखा रहे, आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है, आप सिखा रहे। आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे आप। आप सिखाएंगे हमको, आप सिखाएंगे हमको। देवकी जी ने कहा कि जो ये पूजा ना करे या राम राम, पूजा नहीं बोला उन्होंने, नहीं बोला नहीं बोली है, पूरी बोला जो तुम्हें दिवाली की राम राम ना करे, नहीं बोला, नहीं पूजा नहीं बोला। आप दिवाली मनाए, कोई ईद मनाइए, दोनों की आस्था, लेकिन बिल्कुल यही बोला इन्होंने, आपकी आस्था पे मैं नहीं चल सकता। यही तो बोला, नहीं चला, मैं क्यों चलूंगा? देखिए, सुनिए, आप सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, आप सबने सुना, जो मेरी दीपावली में इन्वॉल्व हो मुझे उसकी ईद में इन्वॉल्व क्या जरूरत है, यही बोला ना मैंने। ठीक है, ठीक है, सुधांशु बिल्कुल देवकी नंदन जी अब शांत हो जाइए, अब आखिर में आपको कुछ सुनना है। जी जी, देखिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान वापस आए थे, और उस दिन क्या हुआ था, भरत ने थाली में खड़ाऊं रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में रख के स्वागत किया था। अब ईद मनाओ चाहे दिवाली, अपने घर में क्या चाहते हो देख लो, राम की परंपरा या बाबर की परंपरा। जी देवकी नंदन जी, मंदिरों का पैसा जब से आजादी हुई है इस हमारे देश की, तब से उसका दुरुपयोग ही किया गया सरकार के द्वारा। हम चाहते हैं कि उस पैसे से गुरुकुलम बने और भारत की संस्कृति, जो बच्ची पूछ रही थी, वो आगे बढ़े। पहली बात, दूसरी बात सुनिए, एक और बात, ताली नहीं, एक सेकेंड। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता।
अगर बराबरी का मामला चाहते हो आपसे। अरे अब देखो बोलने नहीं देगा। इतने ये दोगले भड़वे इंसान है कि इनको खुद पता नहीं है कि इनका बाप कौन है। अपने बाप का ये कागज नहीं दिखा सकते, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है, जिनके एक एक रोए के छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन होता है। उनसे ये कागज मांग रहे हैं कि बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था। जिहादी, इतने पापी हो कि तुम जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे और कुत्ते बिल्ली बनकर तुम पैदा होगे। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात कुछ नहीं। आप इन जिहादियों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।